नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रवि टेक यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किसी भी ट्रेन का लाइव लोकेशन कैसे चेक करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान से और स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मुंशी यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फ्री में, और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इंडियन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वो मैं आपको लास्ट बताता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए पहले इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपको ट्रेन सर्च करना है वो सिंपल से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फूलपुर से इलाहाबाद सर्च किया, तो सिंपल से आपको यहाँ पर फाइंड ट्रेन इस पर क्लिक करना है और सारा ट्रेन का लोकेशन यहाँ पर आ जाएगा, मतलब सारा ट्रेन का नेम आ जाएगा। सिंपल सा आपको जो भी ट्रेन से जाना है आना है कुछ भी करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका लाइव लोकेशन दिख जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ टिकट के ट्रेन का कैसे ट्रेन के नंबर से आप चेक करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सराई चंडी, यहाँ पर ये ट्रेन पहुँचा हुआ है। ऐसे आप देख सकते हैं ट्रेन कहाँ से कहाँ तक कब जाएगी कैसे जाएगी, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपका अगर ट्रेन से टिकट मिला है, ट्रेन का टिकट मिला है, वो उसका नंबर भी आपको ट्रेन टिकट में मिल जाता है, तो आप उसका ट्रेन का टिकट का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेन का नंबर डालने के लिए, तो सिंपल से यहाँ पर मैं अपना डाल देता हूँ 15018। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रेन का नंबर है और यहाँ पर नाम भी आ चुका है। तो सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, काशी एक्सप्रेस आ चुका है, तो जो भी आपका नंबर है वो डाल दीजिए। डालने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर लाइव लोकेशन यहाँ पर दिख जाएगा। देख सकते हैं ये अभी सराई चंडी में ये यहाँ पर ये ट्रेन पहुंची हुई, तो आप यहां से ऐसे आसानी से देख सकते हैं ट्रेन का लाइव लोकेशन। दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपल से आपको बाइक जाना है, बाइक जाने के बाद यहां पर प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में आपको सबसे पहले सर्च करना है आपको ट्रेन स्टेटस, ट्रेन लाइव स्टेशन, ये आप सर्च कर सकते हैं या ट्रेन लाइव स्टेटस ये भी सर्च कर सकते हैं। सिंपल से आपको सर्च करना है, सर्च करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको। यहाँ पर तीसरे नंबर देख सकते हैं एप्लीकेशन आ चुका है। सिंपल से इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद इसे आपको ओपन कर लेना है। आपको जैसे प्रोसेस मैं आपको बताया हूँ वैसे आपको कर लेना है, आपको आसानी से लाइव स्टेटस दिख जाएगा ट्रेन का, कोई भी ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में प्रेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।